अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन को अपनी इमेज से कैसे रिमूव कर सकते हैं। पिछली कुछ वीडियो में आपने कॉन्टेंट अवेयर फिल का मेरा यूज़ बहुत देखा होगा, सो आज उस कॉन्टेंट अवेयर फिल को देखेंगे। सो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। सो सिंपली मेरे पास एक ये इमेज है, मुझे इस बर्ड को रिमूव करना है। ये बर्ड थोड़ा सा ब्लर है, मुझे पीछे वाले बर्ड को रिमूव करना है। सो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। बेसिकली कंटेंट अवेयर फिल हमारा करता क्या है, सो देखें, जैसे मुझे ये रिमूव करना है पीछे वाला बर्ड। सो अब हमारे बैकग्राउंड में स्काई है हमारे पास, तो स्काई का कुछ पोर्शन उठा के जहाँ से मैंने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये बर्ड रिमूव किया है, तो मैंने ये रिमूव किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं से इसका पोर्शन ला के यहाँ पे ये फिल कर देगा कंटेंट अवेयर। सो सिंपली सबसे पहले मैं इसकी सिलेक्शन ले लूँगा। मैं सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, मैं रफ़ी सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लासो टूल ले रहा हूँ। ओके, एंड लासो टूल के बाद मैंने यहाँ से इसे लासो टूल से ड्रॉ किया है। ओके, एंड मैंने इसकी यहाँ सिलेक्शन ले ली। अब कंटेंट अवेयर फिल के लिए आप यहाँ से एडिट में जाके भी कंटेंट अवेयर फिल में जा सकते हैं। ओके, यहाँ से आप इसे डिफ़ॉल्ट रखें तो बेटर है, आप इसे हाई और वेरी हाई पे ले जाके भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। अब आपको न्यू लेयर चाहिए तो न्यू लेयर में ये आ जाएगा। करंट लेयर में इसकी एक डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, सो मैं करंट लेयर में ही रखना चाह रहा हूँ। ओके, देन मैं इसे यहाँ से अप्लाई करके देख लेता हूँ। ओके, सो ये रिज़ल्ट है, एंड यहाँ से ओके, एंड मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। सो सिंपली आपका जो बर्ड था वो रिमूव हो गया। सो ये तो बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में इसका है था, तो हम इसे किसी दूसरी इमेज पर अप्लाई करके देख लेते हैं। सो सिंपली मेरे पास ये एक दूसरी इमेज है। अब मुझे इस बच्ची, ये बड़ी क्यूट सी बच्ची है, सो मुझे इसे रिमूव करना है। सो अगेन मैं अपने लासो टूल, ही मेरा सेलेक्ट है यहाँ पे, तो मैं लासो टूल से इसकी फिर से एक रफ सी सिलेक्शन ही लूँगा। ओके, ठीक, मैंने इसकी यहाँ सिलेक्शन ले ली। अब हम कंटेंट अवेयर फिल में जाने के लिए एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, वो है शिफ्ट और बैकस्पेस। शिफ्ट प्लस बैकस्पेस जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये एक बॉक्स खुल जाएगा। सो यहाँ से आप कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ से ओके करते हैं। थोड़ा सा वेट करें, ये ऑटोमेटिकली आपकी इस बच्ची को रिमूव करके दे देगा। सो यहाँ से कंट्रोल डी कर रहा हूँ। सो सिंपली ये यहाँ रिमूव हो गया, अभी थोड़ी बहुत इसकी शायद डिटेल्स ये ब्लर हो गया। सो हम इसको क्लोन स्टैंड टूल से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसका साइज। ओके, सकता मैंने यहाँ से लिया। ओके, यहाँ से लेता हूँ। ओके, थोड़ी बहुत ये इमेज ब्लर थी क्योंकि इसकी ग्रास थोड़ी सी, देखिए यहाँ से ब्लर है। सो सिंपली आप ऐसे अपना कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन अपनी इमेज से बिल्कुल इजीली इन जस्ट टू स्टेप्स में भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। सो होप्स आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। सो और ऐसे मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।